जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान करने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक साथी के साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्सा हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होता देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति को जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर आपने भला उस दुष्ट के बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों का कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्य को देते हुए बोले, लो अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी और शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैलो कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़े को धारण कर रहे हो। दोस्तों, इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्द से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये कहानी आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।